Are you seriously, man? Look at that! Hey, don't go. I'm telling you, come back. How was the experience there? तो आज हमारा तीसरा दिन है मुआब नेशनल पार्क में और आई थिंक हाइक नंबर कल की है 2 4 तो हाइक 5वीं हाइक है और इस हाइक को कहते हैं फायरी फर्नेस। बहुत ही खूबसूरत हाइक है ये, पर यहाँ पे आने के लिए तुमको एक एक्स्ट्रा परमिट लेना पड़ता है, अलग से एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ता है जो कि नेशनल पार्क के टिकट में इंक्लूडेड नहीं होता है। और अगर टिकट नहीं लो तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, $500 फाइन है। $500 मल्टीप्लाई बस 70 कर देना इंडिया के प्राइस के हिसाब से, या तो फिर 6 महीना अमेरिका का दाल चावल खाना पड़ेगा जेल में। तो बहुत कूल और न्यू तरीके की हाइक होने वाली है क्योंकि अलग सी एकदम नैरो जैसी होती है थोड़ा कोई कोई जगह पे, और बहुत ही प्रिजर्व लैंड है ये। मतलब सारी जो अदर हाइक्स है वो ओपन है सब लोगों के लिए, पर ये वाली जो हाइक है इसके लिए एक्स्ट्रा परमिट लेके तुमको जाना पड़ता है। फायरी फर्नेस आर्चेस नेशनल पार्क की सबसे मज़ेदार एंड चैलेंजिंग हाइक में से एक है। यह हाइक एक कलेक्शन है नारो सैंडस्टोन कैनियन, फिन्स एंड रॉक कट आर्चेस का। फायरी फर्नेस को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मतलब होता है आग की भट्टी, और शाम के समय जब सूरज की रोशनी इन ऑरेंज रंगों के पत्थरों पर पड़ती है तो पूरा कैनियन एक आग की भट्टी की तरह लगता है, और इसीलिए शायद इसे फायरी फर्नेस कहा जाता है। हाइक शुरू भी नहीं हुआ और आप लोग देख सकते हो रास्ता कैसा है, एकदम पतला पतला छोटा छोटा, एकदम क्या बोलते एकदम नैरो रास्ता है यहाँ पे ऑलरेडी। आगे सामने देख लो आप लोग कैसा आने वाला रास्ता, और बहुत मस्त लग रहा है ना, एकदम लॉस्ट लैंड जैसे कि। इस हाइक की खास बात यह है कि इस हाइक का कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं है, बहुत सारे राउट बने हुए इसमें, भूल भुलैया टाइप एकदम। ये इज इट अ लूप और देयर इज अ पॉइंट? देयर इज नो direction. Any way you go, it's just all out here. You go which way you want to go. So, yeah. Should we go that way? Sure. Sure. Come on. So, ये जो आप रॉक देख रहे हो पत्थर, ये लाइक इरोजन होके हुआ है। तो इरोजन जो होता है कि जो बहुत हवा चलती है या फिर पानी या फिर बर्फ से ये हल्का हल्का ऐसा पतला हो के ऐसा निकलते जाता है, ऐसा पाउडर लाइक ये बन जाता है। तो इमेजिन ये पूरा जगह एक ऐसा फ्लैट सरफेस था और अब के सब बीच बीच में से तक कट गया पूरा इरोजन की वजह से। और इस एरिया को फायरी फर्नेस इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे जो लाल पत्थर है, और अगर आप इसके एकदम बीचों बीच में हो यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि लाइक आपके चारों तरफ फायर है, लाइक आग जैसा है। आई थिंक दैट्स व्हाई इसको फायरी फर्नेस बोलते हैं। मैं गलत हो सकता हूँ पर मेरा अंदाज़ा और बेत का अंदाज़ा यही है। Are you stuck? पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग यहीं पर है, यही जगह, यही पहाड़, यही बैकग्राउंड, यही फोरग्राउंड, सब कुछ यहीं पे, क्योंकि हम लोग 2-3 रास्ता आजमा चुके हैं और सारे रास्ते डेड एंड तक लेके गए। तो अब ये एक रास्ता बचा है, शायद ये हम लोग को बाहर लेके जाएगा। अभी यहाँ से आए और अभी हम लोग यहाँ जाने वाले हैं, और रास्ता आप लोग देख सकते हो। अगर मैं आपको आगे लेके जाके दिखाऊं तो ये देखो, इसमें से जाने गए, लाइक लिटरली कैसे जाएगा इंसान। Are you seriously, man? Look at that! Breathe in, I think I can get through. Hey, don't go. I'm telling you, come back. I'm not going. Sorry. Jana cancel wahan se. Wow, that's narrow. That is so narrow. How was the experience there? You're claustrophobic. Don't do it. You're afraid of small spaces. Don't do it. अगर आपको छोटी जगहों से और ऐसा घुटन महसूस होती है ऐसा नजदीकी से तो आप लोगों के लिए नहीं है. लाइक इफ यू हैव अ क्लस्टरफोबिया आना भी गलती से भी मत आना यहाँ पे. आई थिंक आई गॉट इट. थैंक्स. Go back close more. Go close more. Go. हम लोग यहाँ पे आए थे अराउंड 11 बजे सुबह के और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे और अभी तक हम लोग अंदर ही है. बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढ रहे जो कि पूरी तरीके से मिल नहीं रहा है. यहाँ पे अभी जो एक एरो दिख रहा है जो कहता है कि रास्ता ये तरफ है तो शायद ये वाला रास्ता हो जाए. तो टोटली पूरा का पूरा फुल लिया है. फिर से फंस गए. यहाँ से आए और यहाँ पे रास्ता देखो कैसा है. छोटी छोटी एज में से जाना पड़ेगा अभी. होएगा. Skill of rock climbing. Woohoo! I made it. Maybe you come from the other side. Yeah. Ah. देखा तुम लोग ने कितना भारी था वो करना पर जो स्किल है ना रॉक क्लाइंबिंग की वो काम आ गई यहाँ पे. उम्मीद करता आगे रास्ता है. अगर आगे रास्ता नहीं रहा एक और डेड एंड आया तो दिमाग खराब हो जाएगा. बहुत टाइम से इधर ही भटक रहे हम लोग. आई थिंक मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई रास्ता है तो वापस से पूरा नीचे इतना फिर से जाना पड़ेगा. बैठ वहाँ पे मेरा इंतजार करिए फिर शायद दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा. दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी भी हम लोग बाहर जाने का रास्ता पूरी की तरीके से ढूंढ नहीं पाए. अभी यहाँ से नीचे जाने का है. शायद यहाँ से ही रास्ता है. वो जो छोटी छोटी एरोज बनी है यहाँ पे वो फॉलो करेंगे ना तो बराबर से आप पहुँच जाओगे. लाइक अंदर आ भी जाओगे और एक अच्छा सा लूप हो जाएगा. वो एरो कभी कभी दिखती नहीं है. बहुत टाइनी है तो उसके वजह से हम लोग 2 से 3 से 4 से 5 बार क्या पता कितने बार लाइक गलत रास्ते पे जाके आए. लाइक गलत रास्ता इन द सेंस नॉट बैड आई मीन रॉन्ग राउट लेके जाके आए. अगेन देयर आर 5 रोड्स. 5 रास्ते आ गए फिर से. 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एरो भी नहीं. आप कहाँ जाने का. चलो लग कह रही है एंड बेथ कह रही है कि ये वाला तो ये वाला लेके देखते हैं कहाँ लेके जाता है ना तो फिर से आना पड़ेगा यहीं पे 5 रास्ता. वो नसीब अच्छा था कि पहला रास्ता जो हम लोग ने चुना सॉरी मैंने नहीं बेथ ने चुना वही रास्ता एग्जिट था. ये देखो खुशी. फाइनली We made it! Finally इस भड़कम भूल भुलैया से बाहर आ गए हम लोग और यहाँ से अभी पार्किंग दिख रहा है. मतलब हम लोग सही जगह पे. इतनी ज़्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं रही. चलो अभी निकलते बाहर यहाँ से. आज के लिए बहुत हो गई हाइकिंग. भले हाइक बहुत टायरिंग थी बहुत थकान हुई और बहुत बार भूल गए पता नहीं कहाँ पे भटके हम लोग पर अच्छी बात यह कि बाहर आ गए और बहुत ज़्यादा मज़ा आया करने के लिए. आज जो हाइक किया ये सबसे ज़्यादा एडवेंचरस हाइक है, द मोस्ट एडवेंचरस हाइक यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं मैं। पहली बात तो ये है, आपका पास अंदर आने का आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लोग शायद ट्रैक करते हैं कितने लोग अंदर गए कितने लोग बाहर आए, क्योंकि ये पूरा भूल भुलैया जैसा है। एंड अगर आप लोग बराबर से बाहर नहीं आए तो ये लोग शायद आएंगे आपको ढूंढने, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे। और दूसरी बात ये है कि इस पास से वो लोग एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग को अंदर छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने लोग आए उतने लोग को पास मिलेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं फायरी फर्नेस करने का कभी आके यहाँ पे, तो मेक श्योर आप आपका पास 1-2 दिन पहला ले लेवे, क्योंकि आपको जिस दिन जाओगे उस दिन शायद पास ना मिले, तो नेक्स्ट डे का मिलेगा या फिर उसके बाद के दिन का मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया। फिर हम लोग जब बाहर आते हैं तो ये एक डिवाइस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो, एंड आई थिंक ये मेरे हिसाब से इंफ्रारेड है या फिर काइंड ऑफ थिंग जो मे भी ट्रैक करता है कि कितने लोग बाहर आ गए, क्योंकि जब हम लोग अंदर जा रहे थे तभी भी मैंने ऐसे 2 डिवाइस देखे थे जो ट्रेल पे रखे हुए थे, और ये एक ही एग्जिट है यहाँ से बाहर आने का। मेरे हिसाब से या तो ये ह्यूमन को या तो एनिमल को ट्रैक करता है, वटेवर जो भी करता है, पर आप आपका पास लेना मत भूलिए। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया हो ये वीडियो देख के, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये हाइक करके, थोड़ा भटक के, थोड़ा घूम के, थोड़ा हंगरी फील करके, भूख लग के, पर बहुत अच्छी हाइक थी ये और सबसे ज़्यादा एडवेंचरस हाइक थी। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दो, और आपके पास कोई भी कमेंट्स है, कुछ भी सजेशन है, कुछ भी अगर आप कहना चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नीचे। और अगर आप अमेरिका कोई भी ऐसा पार्ट है जो देखना चाहते हो, जो आपने नहीं देखा और आपकी इच्छा आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी लिख दीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो जगह पे जाओ और इसका एक छोटा सा वीडियो बनाओ आपके लिए, ताकि मेरे कैमरा के थ्रू, 3 कैमरा हो गया अभी मेरे पास, सो मेरे तीनों कैमरा के थ्रू आप लोग वो देख सके। तो मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहन जो भी हो, आप मेरे रिश्ते में हो नहीं हो, खुश रहो, जो करना है करो लाइफ में, जो करना है करो लाइफ में, बट डोंट फॉरगेट टू स्टे हैप्पी। चाओ।